कुशीनगर जिले में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 चचेरे भाई हैं, जबकि तीसरा उसी गांव का रहने वाला है। मामला तरिया सुजान थाना क्षेत्र का जवही दयाल गांव के चैन पट्टी टोले का है। जानकारी होने पर स्थानीय पुलिस ने परिजनों पर दबाव बनवाकर अंतिम संस्कार कराने का प्रयास किया, लेकिन मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने 2 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि ग्रामीण एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर चुके थे। गाँव वालों का सीधा आरोप है कि स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से उनके संरक्षण में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाई जाती है। इसमें पुलिस कर्मी भी शामिल होते हैं, क्योंकि वे इसमें सुविधा शुल्क लेकर अवैध शराब के धंधे को संचालित करवाने में मदद करते हैं। इसलिए गांव वाले भी इस अवैध धंधे का विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब जहां पुलिस की मिलीभगत होती है तो विरोध करने का कोई नतीजा सामने नहीं आ पाता है। जहरीली शराब पीने के आदि हो चुके हैं लोग, और जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत जो हुई है उसके बाद पुलिस के और प्रशासन के अब होश उड़ चुके हैं। SP ने पूरे मामले के आदेश के जांच दे दिए हैं। यहाँ पर आया है, हम भी पिए, हमारा घर तो हम घूर रहे हैं पश्चिम पट्टी पकड़ यार, लेकिन आए हैं तो उनके साथ हम भी दारू पिए हैं। कौची यहाँ पर दारू शुरू से बिकता है, और कल भी पिए हैं, परसों भी पिए हैं सर, और दारू के वजह से इनके एक्सपायर हुए हैं सर। पुलिस कमीशन लेती है सर, हमारा घर से वरा हमारे गाँव में खुद बिकता था, हम खुद बंद कराया, दूध पास ही हमारे आज गाँव में बेचता था, उसका हम दारू बंद करा, मतलब कोटा बांट रहा है इस टाइम सर हमारे गांव में पश्चिम पट्टी पकड़ यार में, पूछ लीजिएगा। इसमें आबकारी विभाग को भी जिलाधिकारी के माध्यम से जांच में लगाया गया है, और अगर किसी में किसी की सहभागिता होगी तो निश्चित रूप से वो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अवश्य की जाएगी।